नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कौल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फिजिशियन हूँ। आजकल हम कोविड की महामारी एक भयानक रूप ले चुकी है पूरे देश में, और अभी तक भी हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत ही इजीली लेते हैं, इसकी बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि आप देखिए बाकी हमारे जो पड़ोसी राज्यों का क्या हाल हुआ। जैसे तो लोगों से मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हम जिन दो तरीकों से हम कोविड से लड़ सकते हैं वो यही है जो पिछले एक साल से प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और हर कोई मीडिया चैनल भी अपने माध्यम से ये बता रहा है कि हमें पब्लिक में एक सोशल डिस्टेंसिंग, जो लोगों के साथ एक फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क पहनना है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कोविड से लड़ने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अननेसेसरली मार्केट में नहीं निकलें। अननेसेसरली अगर आपको कोई काम नहीं है तो भीड़ भाड़ के एरियाज़ में मत जाएं, उससे दूर रहें। तीसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो घर पे ख़ास तौर पर आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, तो जो युवाओं से मैं ये विनती करना चाहूँगा कि घर पे अपने जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चों से हैं, उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस कायम करके रखें घर पे, क्योंकि अक्सर जो यंग लोग होते हैं वही बाहर से इन्फेक्शन कैरी करके घर में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा केस बर्डन कम हो सकता है। एक और तरह के प्राणी हैं जो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे आजकल के सिनेरियो में, वो है कि जो डिनायल मूड में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को अब कम्युनिटी स्प्रेड है, बहुत सारे लोगों को आजकल फीवर होता है, और प्रैक्टिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट है डिफ्रेंशिएट कर पाना नॉर्मल फ्लू में और कोविड में। और उसमें से बहुत सारी जनता है जो डिनायल मोड में है, नहीं जी हमें कोविड हो ही नहीं सकता, ये तो साधारण सर्दी जुकाम है, मैं तो बाइक पर निकला था, मुझे तो ठंड लग गई थी, मैंने तो नहा लिया था गर्म पानी से। मतलब ये फालतू की अनाप शनाप की नॉनसेंस बातें हैं, ठीक है। आज की डेट में प्रैक्टिकली जो भी फीवर है दैट इज़ कोविड अनलेस प्रूव अदरवाइज, ठीक है। अगर आप उसको प्रूव करते हैं कि कोविड नहीं है तो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज हर किसी फीवर को आजकल की डेट में कोविड मान के चलिए, और हर किसी शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर का टेस्टिंग ज़रूर कराएं। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक जो आजकल इस पिछले साल में और इस बार में जो फ़र्क है, पिछली बार कोई 10% ऐसा फीवर था या 10% ऐसा निमोनिया था जो टेस्ट में नेगेटिव आता था, मतलब टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है पर लंग में निमोनिया है और कोविड है, ठीक है, क्लिनिकली कोविड है। आज क्या हो रहा है, आजकल कोई 60% ऐसा हो रहा है कि टेस्ट में नेगेटिव है और बट उनको निमोनिया है या कोविड है, ठीक है। तो जिस भी इंसान को आज की डेट में फीवर होता है तो वो अपना टेस्टिंग कराएं। अगर किसी कारण अपना टेस्ट नहीं करा पाते हैं तो खुद को यही समझें कि ये कोविड फीवर है, और जनता से खुद को कम से कम 2 से 3 हफ्ता के लिए आइसोलेट करें। तो यही एक तरीका है जिससे हम सब लोग एक दूसरे से मिलकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं।